Kurakula, cinematography by Tamasyam, editing by Kartika Srinivas, DI by Vishnu of Prime Focus, and DTS mixing by Shyam of Ramanaidu Studios. All right, ladies and gentlemen, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगी. Right, Mr. Pradeep Chhabria, can you please join us over here, sir? Do we have you over here? Come on, everybody, please जोरदार ताली बजाए. He is right here from Glimpse Entertainment. Thank you so much, sir. That's not all. मैं यहाँ पे request करना चाहूंगी Mr. Mehmood Ali से कि please यहाँ पर आ जाए. And grace us with your presence. He's from Pen and Camera International. Thank you so much, sir. And last but not the least, can we have Mr. Vaseem from Fame Media joining us, please? Can we have you over here? Thank you so much, sir. Well, ladies and gentlemen, अब आती है बारी इनसे कुछ बात करने की. So get ready. Can we have Mr. Satish Kumar also joining us? That's my mistake. Can we have you, sir? Come on, everybody, इनके लिए जोरदार तालियां बजाए. Thank you so much, sir, for joining us over here. Well, बात तो मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे टैग देखा है, टैग लाइन देखा है इस मूवी का, जैसे कहते हैं, वेयर सोल मीट्स जाएंगी. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म का बहुत ही अच्छा था. एंड लाइक यू आस्क्ड अर्लियर, सोल मीट्स बॉडी. So here's the soul and this is the body in front of you. So, but the experience was very good and it was amazing. It was very nice to work in the South industry for the first time, though it is a Bollywood film, but our entire crew was from the South, and it was the professionalism that I saw is something else. So it was a good experience. Thank you so much, ma'am. Main yahan pe Robin sir se kuch baat karna chahungi. Robin sir, well, अच्छा था. और जैसे मुझे पता चला था कि हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन सब साउथ से हैं, तो मुझे पता था इन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगी, लेकिन सुमन सर बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. मतलब एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी, तो इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट किया सर ने और हमने इतने सब लोगों ने वहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था. You're looking also so good. इतने अच्छे आप लग रहे हैं. Oh my God, I think मुझे half crush तो इधर ही हो चुका है. I must say about that. And so what about you, Nasir sir? Would like to speak with you. All these people together and getting to this stage. Yes. Thank you so much, sir. जोरदार ताली बजाए इनके लिए भी. Thank you so much for joining us. Mehmood sir, आप ऐसे माइक लेके कुछ तो बोलिए. Say something about the movie. How your experience with us? क्या कहना चाहेंगे आप? फिल्म का जो जॉनर है वो हमेशा से अपील करता है बिजनेस के लिए. तो एज एन डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ये फिल्म अपील की कि ये फिल्म को अगर तरीके से पीएनए करके रिलीज की जाए तो ये अच्छा बिजनेस कर सकती है. दैट्स व्हाई आई एम हियर. थैंक यू. अभी ठीक है. रोलिंग. आ रोल रोल. सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और फिल्म किस तरह की होने वाली है. वेल, मेरा कैरेक्टर, जो फिल्म का नाम है एकता, इज माई कैरेक्टर नेम. एंड फिल्म बहुत ही डिफरेंट थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री होने वाली है. सो आई थिंक एक थोड़ा डिफरेंट हमें फिल्म देखने को मिलेगी, तो इंटरेस्टिंग होगी. एंड मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में एक जर्नलिस्ट का है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है. एंड अभी आगे वो एक मिस्ट्री में फंस गई है. वो कैसे फंसी है और उसमें से कैसे निकलेगी इज व्हाट यू हैव टू सी इन द फिल्म. सर, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा. मेरा कैरेक्टर नेम राहुल है और जो बेसिकली एलएपी में आता है, एक रिजॉर्ट ओपन करता है. तो वहाँ पर एकता के साथ उसकी मुलाकात होती है, फिर उनको लव स्टोरी स्टार्ट होती है. उसके बाद एक थ्रिल और बहुत सारी चीज़ें आती है फिल्म में जो आपको बांध के रखेंगे, और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं फिल्म में, वो आपको देख के पता चलेगा. और बहुत ही थ्रिलर फिल्म है. जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी फिल्म है. फिल्म में तो आप उनके हम साया लग रहे हैं, लेकिन पोस्टर देख के लग रहा है कि इस फिल्म के साया तो आप ही हैं, ऐसा लग रहा पोस्टर से. वो बहुत सारी चीज़ें हैं बट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी वेज हैं आपको दिखाने के लिए, तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते, लेकिन कुछ सरप्राइज है. कुछ तो आपको पता चल ही गया है पोस्टर देख के. आपसे अगर पूछ रहे, जैसे कि फिल्म में हम देखा कि थोड़ा सा डर भी है, खौफ भी है इस फिल्म में. डर से अगर आपकी बात करें तो
डर से कितना डर लगता है आपको कभी ऐसा इन पर्सनल लाइफ? नहीं जी, क्यों डरेंगे, सरदार नहीं हूँ, ऐसे थोड़ी ना डर जाऊंगी. नहीं, डर से नहीं, बट हाँ, मुझे हॉरर फिल्में देखने का बहुत शौक है. ये एग्जैक्टली हॉरर फिल्म नहीं है, बट बिकॉज एक मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, सो कहीं ना कहीं आपको कुछ शायद वो हॉरर वाले शॉक्स मिले, बट नॉट एग्जैक्टली हॉरर, बट हाँ मज़ेदार स्क्रिप्ट है. मैं कुछ सोचोगे आप कुछ और में नहीं लिख लेगा कुछ और ऐसा कुछ है. अच्छा नवनीत, लेकिन ऑडियंस ने आपको लव फिल्म में देखा था जी, तो का लिटिल बिट गैप वाज देयर आफ्टर योर नेक्स्ट फिल्म, और किस तरह से आप देखती हैं, वर यू वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट और समथिंग? Well, definitely yes. I was waiting for the right script, but I have done a couple of films in between. I've done a couple of Punjabi films also, so that is what has taken a bit long. And yes, yahan pe film release hone mein bahut time lagta hai, so which is not in the actor's control. So you just have to wait and be patient, I think. Are you a fan of horror genre? I like it. It's not that I. Don't like horror. I like it, but I'm not a crazy fan or anything. Yeah, but I enjoy horror films. Any of your favorite Bollywood horror film you would like to share? Bollywood horror. Manjuli. नहीं, वो horror film नहीं थी. मुझे film का नाम नहीं याद आ रहा है, but एक काफी पुरानी film थी. In fact, Raz was also another good horror, which start. I mean, जहाँ से horror start हुआ था बिपाशा बासु का. In fact, उस time पे ऐसे लगता था कि आप एक बार horror film में आ गए तो शायद आप बाकी genres में नहीं कर पाओगे. But बिपाशा बासु proved it wrong and she did it very well. And Raz was one very good film, I must say. Yes. Nodi, the producer and director were from South, and the entire production team was from South. So working with them, how was your experience and anything, any problem you faced in that time? Well, the experience was very good. Like I said, कि जब भी आप साउथ से किसी के साथ भी काम करने जाते हैं, सबसे पहले ये लगता है कि बहुत प्रोफेशनलिज्म है, बिकॉज वो बहुत टाइम से फिल्में बना रहे हैं, एंड आई थिंक इतनी ज़्यादा वो एक्सपीरियंस है फिल्म बनाने में, विच ब्रिंग्स इन द प्रोफेशनलिज्म. बट नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, एंड बिकॉज वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, 20 days एंड योर फिल्म इज़ ओवर, सो दैट वॉज वन गुड थिंग. रियलिटी में नथिंग एज सच, बट हाँ, जब भी हम नाइट शूट्स कर रहे थे और कुछ भी हमारे हॉरर सीन्स थे, सो बिकॉज ये फिल्म बहुत ही सुपर नेचुरल पावर्स के ऊपर है, सो आई थिंक जब हम शूट करते हैं एज एन एक्टर, हमें नहीं पता कि हमसे जो डायरेक्टर करवा रहे हैं वो बाद में कैसा दिखेगा. सो उस चीज़ की मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि अच्छा, ओके, दिस इज़ द वे वी आर शूटिंग, बट वो जब बाद में दिखेगा तो वो कैसा दिखेगा. नाउ व्हेन आई सी इट इन द ट्रेलर, इट्स अमेजिंग. जी, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या डू यू हैव अ सीन विद हिम एंड हाउ इज एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? आई हैव अ सीन, यू हैव बीन पार्ट ऑफ बाहुबली, यू नो, आई हैव अ सीन विद हिम एंड इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हिम. ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन and very happy go lucky person. When he's around, I think everybody is laughing, so it was very nice. And of course, the day they told me that he's going to come on set, I said really, and I still wanted to ask him, Kattappa ne Bahubali ko kyun mara, sorry. So but then I said okay, wrong person to ask the question, he was already dead by then. So but yes, of course, knowing that he was a part of Bahubali and working with us was beautiful. Should I be talking about that right now? I have another Bollywood film releasing soon. It's called Amavas. So yeah. Any
अनदर हॉरर. नवनीत, प्रमोशन को लेके किस तरीके, आप दोनों से जानना चाहेंगे प्रमोशन को लेके किस तरीके की तैयारी है, और चेक मिल गए हैं क्या आप दोनों से? जी फिल्म बहुत पहले खत्म हो गई था, चेक मिल गए. खत्म भी कर लिए. प्रमोशन की किस तरीके की तैयारी है, तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए? वेल, प्रमोशन की तैयारी आई थिंक हमारे पीआर टीम विल बी एबल टू टेल यू बेस्ट, बिकॉज हम तो एक्टर्स हैं, हमने तो वहाँ चले जाना है जहाँ पे प्रोड्यूसर साहब और हमारी पीआर ने बोलना है. बट या प्रमोशंस बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो मज़ा आएगा इस फिल्म को प्रमोट करने में. सॉरी, एंजल है. हाँ मैम.